Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a very important case of contempt of court. If you are students of Savitribai Phule University, then you definitely have this. Uh, the second year students uh, they have this case in their syllabus. I mean this is prescribed one. And the case is Pushpa Ben and another versus Narandas V. Badiani and another. This party is petitioner and the other party this is the respondent. सो डेट ऑफ जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केस वॉज ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च नाइनटीन सेवेंटी नाइन एंड द बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ जस्टिस फैजल अली सैयद मुर्तजा एंड जस्टिस आनंद देव कौशल तो वॉट वॉज द इशू हियर इस केस में क्या इशू था वेदर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट शुड बी अवॉर्डिड इन सिविल कंटेम्प्ट और नॉट अगर सिविल कंटेम्प्ट हुआ है तो ऐसे केस में क्या सज़ा के तौर पे इम्प्रिजमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए सो हिस्ट्री ऑफ लिटिगेशन देखते कि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा व्हाट वॉज द हिस्ट्री सो हियर पुष्पा पेन एंड अनदर ये जो पार्टी है इन्होंने नारंद दास ओके okay? नारंददास और उनके साथी से उनके जो भी कोई साथी थे जिन्हें हमें हमने केस के नाम पर अनादर कहा है मतलब इनके साथ और भी कोई थे तो इन्होंने इनसे कुछ लोन बोरो किया था इट वॉज़ ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ सो पुष्पा बेन जो है पुष्पा बेन और इनके साथी ने नारंदास जो है इनसे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ लोन के तौर पर ले रखे थे बट हुआ ये कि पुष्पा बेन जो है इस लोन को रिटर्न नहीं कर पाई वो उन्हें पे बैक नहीं कर पाई सो so, नारंद जो है इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दिया अंडर सेक्शन फोर ट्वेंटी ऑफ आई पी सी नाउ दिस कंप्लेन्ट वॉज पेंडिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट तो ये केस कहाँ पर गया ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट के पास गया तो so, मैजिस्ट्रेट के पास जब ये केस गया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो दोनों पार्टी है मतलब पुष्पा बेन और उनके साथी और नारायण दास और उनके जो साथी थे इनके बीच में एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ uh, हो गया इट हैपन्न ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई नाइनटीन सेवेंटी वन इस डेट पे इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि ये जो आ, लोन है वो ट्वेल्व परसेंट पर एनम के आ, जो इंटरेस्ट रेट पे है वो ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सेवेंटी टू को या फिर उसके पहले जो है रिटर्न किया जाएगा सो so, इस बिकॉज केस जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास जा चुका था तो इसलिए ये जो पार्टी है पुष्पा बेन और उनके जो साथी थे उन्हें अंडरटेकिंग उन्होंने एक दिया सो अंडरटेकिंग वॉज टू पे द लोन ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विथ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम ऑन और बिफोर ट्वेंटी वन सेवन नाइनटीन सेवेंटी टू मतलब एग्जैक्टली एक साल बाद मतलब एक साल का टाइम इन्हें मिल गया किसे मिल गया टाइम इस पार्टी को मतलब ये जो पुष्पा बहन और उनके साथी थे सो मैजिस्ट्रेट अलाउड द पार्टीज टू कंपाउंड द केस क्योंकि uh, पुष्पा बेन और इनके साथी जो है इस पार्टी ने जो है अंडरटेकिंग दिया सो दैट्स वाई मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने अलाउ किया पार्टीज को टू कंपाउंड द केस मैजिस्ट्रेट ने क्यों अलाउ किया टू कंपाउंड द केस बिकॉज ऑब्वियसली ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है इट इज़ नॉट नॉन कंपाउंडेबल मैटर बट आगे क्या हुआ जो पुष्पा बेन एंड ये जो उनके साथी थे इन्होंने लोन रीपे नहीं किया हालांकि उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखा था ओके okay, मैजिस्ट्रेट के सामने बट उन्होंने लोन जो है वो नहीं रिपे किया तो मतलब आप कोर्ट के सामने अगर, अगर अंडरटेकिंग देते हो और आप उसे फॉलो नहीं करते हो आप अगर इफ़ यू डोंट एक्ट अकॉर्डिंगली देन वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ओके okay? तो ये जो नारण दास थे अभी इन्होंने लोन तो नहीं पे किया इन्होंने तो कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग दे रखा था बट एक साल हो जाने के बाद भी लोन जो है उन्हें लोन का अमाउंट अपना रिटर्न नहीं मिला है तो ये कहाँ चले गए मूव टू कोर्ट अभी कोर्ट ने क्या कहा कि अपेलेंट ने जो है विलफुल डिस ऑफ द अंडरटेकिंग ये किया है मतलब कि आ, जो पुष्पा बहन है इस पार्टी ने विलफुल डिसबिडियंस डिस, डिस किया है बराबर मतलब कोर्ट की बात को नहीं माना या कोर्ट के सामने जो कुछ कहा है उन्होंने कि हम पैसे रिटर्न कर देंगे हम लोन रिपे करेंगे एक साल के अंदर बट उन्होंने उस अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया है मतलब उन्होंने ओबे नहीं किया है उन्होंने डिस यहाँ पे मतलब उनके द्वारा हो गया है तो हाई कोर्ट हेल्ड दैट देवर गिल्टी ऑफ सिविल गिल् कंटेम्प्ट ऑब्वियसली सिविल कंटेम्प्ट तो हुआ है सो हाई कोर्ट ने लेकिन क्या किया यहाँ पे वन मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट सुना दिया किसे इस पार्टी को पुष्पा बेन और उनके जो साथी थे अब इस जजमेंट पे पुष्पा uh, बेन और उनके जो साथी है ये पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में ओके okay? तो जो मतलब हमारे पास अभी हाँ हमारा ये जो केस है मतलब शुरू में हमने जब यहाँ पे देखा है केस कहाँ पे आया है सुप्रीम कोर्ट में सो दिस वाज ऑल द हिस्ट्री ऑफ लिटिगेशन यू कैन से द फैक्ट्स ऑफ द केस तब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आता है दे स्टडीड ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज दैट द अपेलेंट्स वर गिल्टी ऑफ सिविल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन टू बी ऑफ द कंटेम ऑफ कोर्ट्स एक्ट अपेलेंट मतलब कौन है अभी यहाँ पे क्योंकि ये पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट मतलब जिन्होंने लोन नहीं पे किया है जो पहले वाले दोनों भी आ, आ, दोनों भी इंसिडेंट में दोनों भी सिचुएशन में सॉरी दोनों भी कोर्ट्स में जो ये रेस्पोंडेंट थे अभी ये यह यहाँ पे अपेलेंट है ओके okay. सो so, इन्होंने क्या किया है सिविल कंटेम्प्ट इन्होंने किया है एंड सिविल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन टू बी क्या है व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट

अंडरटेकिंग दे रखा था बराबर किसके सामने मैजिस्ट्रेट के आ, सामने और तभी उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था इसीलिए तो मैजिस्ट्रेट ने उन्हें अलाउ किया था टू कंपाउंड द केस बट आगे चल के इन्होंने उसी अंडरटेकिंग को उन्होंने क्या किया है ब्रीच किया है उन्होंने विलफुली उसे डिसओबे किया है एंड विच फॉल्स अंडर द सिविल कंटेम्ट ओके बट नाउ व्हाट हैपेंड यहाँ पे ये तो क्लियर था कि कंटेम्ट हुआ है बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मैटर में आपको जो पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट आपको क्या करना चाहिए कि आप फाइन डायरेक्ट uh, कर सकते हो ना कि इम्प्रिजनमेंट ओके सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड फाइन ऑफ वन थाउजेंड ईच टू दी अपलेंट्स ओके तो ये जो अपेलेंट थे ये ये और इनके और कोई साथी भी थे तो इनको इंडिविजुअली वन थाउजेंड रुपीज़ का जो है वो फाइन पे करने के लिए बोला गया एंड विच वॉज टू बी पेड विद इन फोर वीक्स ओके तो पहले कोर्ट ने क्या uh, बताया था कोर्ट ने बताया था कि वन मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट uh, का जो है उन्होंने सेंटेंस दे दिया था बट सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली सेड दैट सिविल कंटेम ऑफ कोर्ट हुआ है और ऐसे मैटर में इम्प्रजनमेंट इज नॉट टू बी गिवन बल्कि फाइन आपको देना चाहिए इम्प्रजनमेंट भी दे सकते हो बट अंडर स्पेशल कंडीशंस और वैसे कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स भी है बट उन पावर्स को कब एक्सरसाइज करना है ओनली वेन द सर्कम आर सच सो आई होप आपको ये केस जो है ये समझ में आया होगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट बब बाय टेक केयर